तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये गाजर का हलवा बनाया है मैंने प्रेशर कुकर में। जी हाँ, बहुत ही आसान तरीका से प्रेशर कुकर में गाजर का हलवा बन जाता है। हमें ना तो गाजर को ग्रेट करने का झंझट है और ना ही बहुत ज्यादा देर पकाने का। तो चलिए झटपट से बनाते हैं गाजर का। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अश्विनी किचन। मैं हूं कविता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हलवा के लिए ये लाल वाला गाजर अच्छा रहता है, इससे हलवा अच्छा बनता है। तो मैंने 1 किलो गाजर लिया है और इसको अच्छी तरह से धो के साफ करके रफली काट भी लिया है। तो चलिए गैस को ऑन कर लेते हैं और एक प्रेशर कुकर बिठा देते हैं। और यहाँ पे डाल दिया है मैंने 2 बड़ा चम्मच घी। अगर आपको ज़्यादा घी पसंद नहीं है तो आप कम डाल सकते हैं, लेकिन हलवा में अगर थोड़ा ज़्यादा घी डाले तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने अब 3 से 4 इलायची को इस तरह से तोड़ के। अब इसको एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे। इस तरह से घी में इलायची डालते हैं ना, बहुत ही अच्छा सा खुशबू आता है। तो जैसे ही इलायची और घी मिल जाए, हम डाल देंगे काट कर रखा हुआ गाजर। तो गाजर आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कैसे भी काट सकते हैं। इसको अच्छी तरह से एक बार मिला देंगे हम। अब हम यहाँ पर डालेंगे मिल्क पाउडर। ये देखिए, मिल्क पाउडर को हम पानी में घोल के नहीं डालेंगे, हम डायरेक्टली ही डाल देंगे। इस तरह से डालने से ना मावा का जैसा टेस्ट आता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इसको एक बार अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो ये देखिए, अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच। उतना ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि गाजर से ऑलरेडी पानी निकलता है। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक बार मिला लेंगे। उसके बाद में हम कुकर का ढक्कन लगा के सीटी लगाएंगे 2 से 3। बहुत ज़्यादा सीटी नहीं लगाना है, गाजर जल्दी पक जाता है। तो जैसे ही सीटी लग जाएगा, गैस का फ्लेम ऑफ करके हम इसको अपने आप ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही ठंडा हो जाएगा, सीटी अपने आप निकल जाएगा, तब हम खोलेंगे कुकर के ढक्कन को और देखेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा गाजर जो है बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है। तो यहाँ पे स्पैचुला से हमें मैश करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ग्लास से करूँगी। ये देखिए, मेरे पास मैशर नहीं है तो मैंने ग्लास से ही कर लिया है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये देखिए, साइड में मैंने दूध को भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही दूध बॉईल हो जाएगा, हम तुरंत से गाजर का हलवा बना लेंगे। तो ये देखिए, गाजर बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो गया है। अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है क्योंकि दूध भी बॉईल हो गया है। तो चलिए अब बना लेते हैं गाजर का हलवा। तो उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा किशमिश डाल दूंगी। आपको जितना पसंद है उस हिसाब से डाल दीजिए। मैंने 10 से 15 किशमिश डाल दिया है। किशमिश डालकर एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद अब हम डाल देंगे दूध। तो दूध पूरा नहीं डालेंगे एक साथ, पहले थोड़ा सा डाल लेते हैं, उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो फिर डालेंगे। तो मिला लेंगे एक बार बहुत अच्छी तरह से। तो ये थोड़ा कम लग रहा है, अब मैं पूरा दूध ही डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने अमूल गोल्ड का 1/2 लीटर दूध यूज़ किया है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने 1/2 बाउल चीनी लिया है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। वैसे 1 किलो गाजर के लिए परफेक्ट है मेजरमेंट। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे अच्छी तरह से। तो बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो फिर नीचे से लग जाएगा। तो ये देखिए, 5 मिनट हो गया है हलवा को पकते हुए। तो दूध बहुत अच्छी तरह से सूख गया है। अब इसका जो कंसिस्टेंसी है, इतना ही रखना है हमें। अगर इससे ज़्यादा सूखा देंगे तो फिर बाद में बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो देखा ना आपने, कितना जल्दी हमारा प्रेशर कुकर में गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा काजू डाल दूंगी। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ये ठंडा होने के बाद में और गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन गाजर का हलवा तो गर्म गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। तो चलिए गर्मा गर्म परोसते भी है। तो ये देखिए, हमारा गर्मा गर्म गाजर का हलवा प्रेशर कुकर में बनके तैयार हो गया है। इस तरह से बनाएंगे तो हमें ना तो ग्रेट करने का झंझट है और ना ही हाथ कटने का डर होता है। तो आप भी एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। और आज का रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।